हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरवीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और साथियों, अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो आज ही हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ साथियों, बिल्कुल आप खुश हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2019 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और ख़ासतौर पे हम बात करें 2 या 3 महीने अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप वेट कर रहे हैं तो 2 या 3 महीने आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, आप अपनी प्रिपरेशन बना के रखें। जी हाँ साथियों, अभी कुछ ऐसे ही अपडेट देना चाहता हूँ आपको, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो साथियों, भी 1,35,000 वैकेंसीज आने वाली हैं, वो पास हो चुकी हैं। अब वो 1,35,000 जो वैकेंसीज हैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब उसका नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें अगले महीने से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात आती कि ये वैकेंसीज कहाँ पर हैं, जैसा मैंने आपको बताया था हरियाणा, बिहार, इसके बाद यूपी, दिल्ली, इन सभी जगह आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, लगभग 2.5 लाख वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो साथियों, यही सारी चीज़ें होती जा रही हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो अभी क्या है, जो बिहार के अंदर मेरे जो साथी हैं उन सभी को सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपके वहाँ पर 1,35,000 वैकेंसीज आने वाली हैं और जिसमें 1 लाख वैकेंसीज हैं, लगभग 1 लाख वो आपके PRT लेवल पर होंगी। इसके बाद जो और वैकेंसीज हैं लगभग 38,000, वो वैकेंसीज आपके मिडिल क्लास तक होंगी। तो आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसके बाद जो और जगह वैकेंसीज हैं वो भी बहुत जल्द आने वाली है, लगभग कुछ ही टाइम बाद आप समझ सकते हैं कि शायद इस मंथ के लास्ट तक भी नोटिफिकेशन आ सकता है, यूपी के अंदर भी, या मतलब आप बोल सकते हैं दिल्ली के अंदर भी। जैसा कल मैंने आपको बताया था 10,500 वैकेंसीज वो भी पास हो चुकी हैं, वो भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो साथियों, ये 2-3 महीने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से बना के रखें जिससे आपको जब भी चांस मिले आप अच्छे से प्रिपरेशन करके उस चांस को यूज कर सकें। तो साथियों, ये अभी अपडेट है आप लोगों के लिए और जल्द से जल्द जो भी और वैकेंसीज हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स ये बोल रहे थे कि शायद ये झूठ होगा, फेक होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं, आप थंबनेल देख सकते हैं, आप साइड में देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल आपके सामने हो रही है। हालांकि जो बिहार के अंदर अभ्यर्थी थे काफ़ी टाइम से धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे और इसके बाद उनके लिए अच्छी खबर है और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उन सभी साथियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और गवर्नमेंट को भी दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। तो अब ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी सिर्फ वहाँ पे है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमने और प्रदीप सर ने आपको पहले ही बता दिया था अपडेट जो मिली थी। तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं कि सिर्फ वहीं पे वैकेंसीज हैं, आपको सारी जगह वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, टीचिंग भी, नॉन टीचिंग भी, और गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को। तो साथियों, ये अभी अपडेट है आप लोगों के लिए और अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको बहुत खुशी हुई है कि अब धीरे धीरे वैकेंसीज आने लगी हैं तो वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कि लगा हो कि वीडियो ने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया तो आप लाइक भी ज़रूर करें। तो साथियों, आप सभी को दिल से धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि मतलब कोई आपकी कुछ क्वेरीज है, आपको मुझसे कुछ मतलब प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बात आपको बता रहा हूँ, तो आप पर्सनली अपने विचार मुझे शेयर करके बता सकते हैं, क्योंकि आपका सॉल्यूशन करना ही, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ, आपका सॉल्यूशन करना ही हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है। तो मैं सभी साथियों को ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी अगर आपको लगता है मेरी कोई गलती है तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।